तो हम तुम्हारी मात्र पहुंचा देंगे। बहादुर अशफाकुल्ला खान ने कहा, अरे मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां का यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपना निकाह रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, ना अशफाकुल्ला तुम पागल हो गए हो, कहां है वह लड़की? ये लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो। देश के लिए जिंदगी देने वाला, बलिदान देने वाले अशफाकुल्ला खान ने कहा, गए मजिस्ट्रेट पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, अपनी शादी बचाने जा रहा हूं। मैंने भाइयों, क्या देश के लिए थोड़े समय के लिए देश की जनता तकलीफ नहीं उठा सकती? और हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, नौजवान हैं, नौजवान हैं। कल उन्होंने कहा, देखिए जब मैं बोलूंगा तो फिर तूफान आ जाए। उन्होंने कहा जब मैं बोलूंगा तो तूफान आ जाए। मैंने कहा बोलते तो रोज हैं, बोलते तो रोज हैं, लेकिन हवा भी नहीं चलती। कैसे तूफान आ जाएगा? मैं तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वह बोले और तूफान आए। और आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, तूफान तो आने वाला नहीं है। लेकिन मेरे देशवासियों, कोई तूफान आएगा, तूफान का मुकाबला करने के लिए स्वयं हमारी सरकार सबसे पहले अपने सीने का पतन खोल कर खड़ी होगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। मैं चक्कर में था, कहां से अभी तक तो हवा भी नहीं चलती, कैसे तूफान आ जाएगा? मैं कल से सोच रहा हूं इसी में, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। आप लोगों में से कोई हो तो बता देना मुझे। भारत मौर्य भी कहते हैं हमारे विरोधी दल के नेता, अरे साहब ये नोटबंदी नहीं है, नसबंदी है। यह नोटबंदी नहीं है, नसबंदी है। मैंने कहा कि अपने समय की याद दिला रहे हैं, अपने समय की याद दिला रहे हैं। मैंने भाइयों, किसकी नस कटे? किसी की नस काटी है? अरे भाई नस कटी होगी तो काला धन कमाने वालों की नस कटी होगी, बहनों भाइयों भ्रष्टाचार करने वालों की नस कटी होगी। यदि से नोटबंदी को नसबंदी मानते हैं तो नसबंदी तो उनकी हुई है जो काला धन कमाते हैं। भ्रष्टाचार में जो नसबंदी तो उनकी हुई है, जो घुमा फिराकर कहा है लोगों ने सही ही कहा, कोई गलत नहीं कहा। संसद में हम लोग चाहते हैं कि चर्चा बार बार खड़े होकर, मैं ये खड़े होकर लोकसभा में, अरुण जेटली ये खड़े होकर राज्यसभा में आप चर्चा करिए, हमको बताइए कि हमारी तरफ से कहां चूक हुई है, कहां कमी हुई है, कहां गलती हुई है, हम स्वीकार कर लेंगे, आप हमारी मदद करिए, हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि हम सत्ता का सुख भोगने के लिए हम सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम देश बनाने के लिए सरकार चला रहे हैं। इसे बार बार हम लोगों ने अपील की, लेकिन बहनों भाई चर्चा ही नहीं करते। और आपने देखा होगा कि देश की संवैधानिक संस्था, सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था राष्ट्रपति महोदय की होती है। राष्ट्रपति महोदय को कितनी पीड़ा हुई, कितनी वेदना हुई, राष्ट्रपति महोदय को यह कहना पड़ा कि भगवान के नाम पर संसद को चलने दीजिए, संसद को खत्म मत करिए। इस वेदना को तो लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, संसद चर्चा करने के लिए होती है, धरना देने के लिए, प्रदर्शन देने के लिए संसद नहीं बनी हुई है। राष्ट्रपति महोदय देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था बोल रही है, मेरे बहनों भाई फैसला आप कर सकते हैं। क्या हो रहा है?
आप सब यकीन करने आया हूं बहनों भाइयों, जो आप लोगों ने केंद्र में हम लोगों की सरकार बना ली दी है, अब उत्तराखंड में भी आप मेहरबानी कीजिए, यह अपील करने के लिए आया। और मैं जानता हूं उत्तराखंड यहां देवभूमि है, भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक नौजवान जब सीने का मतलब खोल कर निकलता है तो उत्तराखंड की धरती से निकलता है। ओ आर ओ पी वन रैंक वन पेंशन मांग कितने वर्षों से चल रही है, कोई पूरा कर पा 30-35 वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की मांग चल रही, किसी ने नहीं पूरा किया। मैं बहनों भाइयों पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा किया, मेरे बहनों भाई हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा किया। भारत की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों की हम कद्र करते हैं, और हमने देखा जब वो घुस कर भीतर आ गए और हमारे जवानों की सेना के जवानों की के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया तो भी उसके बाद क्या हुआ है आपको सब जानकारी होगी। हमने सिद्ध कर लिया है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। और हमने यही करके दिखा लिया, यही करके दिखा लिया केवल इस पार ही नहीं उस पार भी हम मुकाबला कर सकते हैं, यही करके दिखा। हमारे यहां का यहां का सवाल है यहां का सवाल है मित्रों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पर मैं दिल की बात मैं बताता हूं पड़ोसी देश के साथ हम लोग अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस समय हमारी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था 26 मई 2014 में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों ने बैठकर फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है सारे पड़ोसी देश के जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको बुलाना चाहिए। मैंने कहा भले ही किसी के साथ थोड़ी कभी दूतू महीने हो गई हो लेकिन सबको बुलाइए, पड़ोसी तो पड़ोसी, और सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया, पर पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री उसमें भाग लेने के लिए आए, नवाज शरीफ साहब भी आए, सबको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि हम उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, और हम लोगों ने केवल हाथ मिलाने के लिए उन्हें नहीं बुलाया था, दिल से दिल मिलाने के लिए उन्हें बुलाया था। मेरे बहनों पर दिल से दिल कहीं पता नहीं क्या है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, आतंकवाद को बराबर हवा लेने की कोशिश करते हैं, आतंकवादियों को ताकत दे, लेकिन नाज है मुझे अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों पर, और मेरे बहनों भाइयों हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों ने ऐसे आतंकवादियों के संबंध में जो जानकारी दी है जो कि हिंदुस्तान में आतंकवाद की दहशत पैदा करना चाहते, हमारे हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते, भारत को एक सशक्त भारत के धर्म को बनाना है बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो, कोई जाति पंथ मजहब है कोई भी हो, सबके अंदर इंसानियत है, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और हम चल रहे हैं चलेंगे। कांग्रेस ये कह रहा है हम हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान ईसाई सिख में नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, सब हमारे भाई सभी भारत माता के सपूत आजादी 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 यदि हासिल हुई है तो उसमें हमारे मुस्लिम नौजवानों ने भी अपना बलिदान दिया है, भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होती है तो हमारा मुस्लिम सेना का जवान जो अपने सीने का पतंग खोल कर आगे खड़ा रहेगा वही बलिदान दे, इसीलिए मैं कहता हूं सबको साथ लेकर हमको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले मैं पाकिस्तान वैसे